भोवा में पंचायती चुनावों में सत्ता पक्ष द्वारा राजनीतिक पहुंच लगाकर नामांकन रद्द करवाने संबंधी शिकायत सामने आई है। शिकायतकर्ता लालचंद कटारूचक ने बताया कि उनकी पत्नी पिछले 20 सालों से गांव कटारूचक की सरपंच हैं, लेकिन विधायक जोगिंदर पाल के दबाव में उनका नामांकन साजिशन रद्द करवाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने गाँव वासियों समेत डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। थोड़ा पीछे आ, मैं लालचंद कटारूचक, असी कटारूचक पंचायत की चोन लड़ रहे हैं। मेरी वाइफ पिछले 20 वर्षों तो पिंड की सरपंच है। ऐरका असी फिर पिंड के लोगों के सहयोग नाल दोबारा उ पंचायत की चोन लड़न लई एप्लीकेशन लाई हैं। सो साड़ी सारी टीम 7 पंच ते 8वीं सरपंच असी मलकड़े किए हैं। साड़ी कल दोपहर तक जी फाइल है उर्मला देवी की, जी मेरी वाइफ है, बिल्कुल ठीक ठाक उन्होंने कंसीडर की है। पर सानू कल 2 बजे तो बाद पता ही लगा भी तुहाड़ी दरखास्त कटाई जा सकती है। एक झूठा एलीगेशन लाया गया भी लालचंद का घर पंचायत की जमीन दे विच है, जदों के मैनू कोई पंचायत महकमे का अज तक नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ़ कोई कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिता, मेरे खिलाफ़ कोई कोर्ट च मामला पेंडिंग नहीं, कोर्ट च कोई प्रस्यू नहीं होया, ना मैनू कोई मतलब जिहड़ा है इनवॉल्व किया महकमे ने। बदकिस्मती है भी राजनीतिक दबाव थले जिहड़ा है मेरे खिलाफ़ बना के सारा अपना पलंदा ये भी सानू इस चोण मुहिम तो बाहर ढकना चाहते हैं। सो इस करके जिहड़ा है भी वह एक नजायज़ साडे खिलाफ़ उन्होंने इतने एप्लीकेशन एक दी। पर चंगी गल है भी जिहड़ा आर ओ साहब आ उन्होंने साडी एप्लीकेशन कंसीडर किया अज, पर ला उन्होंने कहा भी एप्लीकेशन नहीं कट्टी जा सकती। रात काफ़ी इतने डिस्कशन होंगी रही है, काफ़ी साडे वालों भी इतने रजिस्टेंस की गई है। असी कल धरने का ऐलान किया ही, पर पुलिस प्रशासन के बच्चे पै के सानू इस गल ही कैरी किया भी असं तुहाडी एप्लीकेशन नहीं कट्टी कट्टण देवांगे, तुसीं धरना ना लाओ। सो इस करके रात असी 10 बजे साड़ी जी एप्लीकेशन बाहर लगियां ने, जिहड़ियां कंसीडर कीतियां फाइलां ने, सो उन्होंने असी फिर रात इतों 10 बजे गए हैं। बदकिस्मती है भी अज जिहड़ा इत्थे साडे इलाके दा MLA, मैं लानिया तौर पर कहना चाहना हाँ भी जिहड़ा घटिया सियासत कर रहा, जिन्हों सियासत की भी कोई मर्यादा आ, सियासत के अंदर बंदे देखे जाते हैं, नीति देखी जाती है, बंद का किरदार नापया जाता। तुसी पंचायत की चोन लड़ रहे हो, साडा सीधा मुकाबला कर लो, कोई जीते कोई हारे, इदां लोगों की एप्लीकेशन रद्द करवा के जे तुसी कहोगे कि असीं चोणां जितनियां आ, तो मैं ये समझदा भी पंजाब के लोग जवाब देना जानते हैं, खास करके कटारूचक के लोगों का चंगा इतिहास है। सो इस करके अज जिदा सौड़े दियां 2 एप्लीकेशन कट्टियां, होर बहुत सारे पिंडां दी कट्टियां। मैं ये गल कहना चाहना भी तुसी जे एज पर ला जे कट्टी जांदी सानू कोई प्रॉब्लम नहीं, जे साडी एप्लीकेशन से भी कोई गलती हो असी माफ़ी मंग के जावांगे, साडी एप्लीकेशन असी डिजर्व नहीं करते, इस करके तुसी कट दिओ। पर साढ़े नाल भी धक्का किया जा रहा, अज फिर इतने वो 3.5 घंटे बह के DC साहब के दबाव पाया जा रहा, उधरों पाया जा रहा। सो सानू ये चिंता है भी हुण तक सानू सिंबल अलाट नहीं किए जा रहे, और असी जे कोई पुछते हाँ तो सानू उहदा तसल्ली बख्श उत्तर नहीं मिल रहा, जदों कि सानू एयरपोर्टां दूजे पासे आ रही भी MLA पूरी तान ला रहा भी जी एप्लीकेशन रद्द करानी है। सो अज असी मीडिया के राही भी जिहड़ा आ ये मैसेज लोगों लिया चाहते हैं कि पंचायतां डेमोक्रेसी का सब तो एक प्राइमरी पड़ा है, जिथे लोगों खुल दिली ना वोटा पाने की इजाजत मिलनी चाहिए है। पर सरकार अकाली BJP के वाग इस सरकार के अंदर भी लोगों के मन के अंदर भय है, ये पंचायती चोणां नहीं हो रही, लोगों के मन च डर है, झगड़े होने के खासे आ, दरखास्तां रद्द हो रही ने, विरोधियों को कट्टिया जा रहा, विरोधियों के खिलाफ साजिशां घड़ियां जा रही, कोई फर्क नहीं पिछली पहली सरकार ने इस सरकार नालों। सो इस करके अज असी ये मांग करते हैं भी सानू जिहड़ी साडी एप्लीकेशन है वो मुताबिक सानू जिहड़ा सिंबल दिता जाए, और असी इस तो सिंबल लैके जाना। पर नाल ये कहना चाहते हैं असी लानिया तौर पर कहना चाहते जोगिंदर पाल जी हुण भज्जिया मान बराबर है, ये राजनीति असी लोगों की सेवा वाली राजनीति चुनी है, तुसी राजनीति च आ के महल खड़े किए हैं, तुसी जायदाद बनाइया राजनीति के अंदर। सो ये जो अज एक मतलब जो अपना
टारगेट फिक्स किया जा रहा भी विरोधियों ने इतों पहुँचाना है तो घट्टो घट असी पंजाब के अंदर इस इलाके अंदर असी लोगों की वाह फड़ांगे अपने लिए भी लड़ांगे लोगों भी लड़ांगे और असी कटारू चक की चोण लाजमी तौर पर जित के इन्हों मूँह चंड मारा असं कहना चाहते हैं। बस साड़ी अज अपील है सानू सिंबल दिते।